नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टाइम्स नाउ नव भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आपका स्वागत है। और इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी करेंगे। खबरें आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनटों में 25 बड़ी खबरें। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब में सियासी संकट गहरा गया है। राज्य सरकार में कल शाम इस्तीफों की झड़ी देखने को मिली। हालांकि आला कमान ने सिद्धू का इस्तीफा फिलहाल स्वीकार नहीं किया है। शीर्ष नेतृत्व ने राज्य नेतृत्व से पहले अपने स्तर पर मामला सुलझाने को कहा है। पंजाब कांग्रेस का सियासी मसला सुलझाने के लिए आज पंजाब कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। सिद्धू खेमे के मंत्रियों ने कहा कि कुछ गलतफहमियां से मुद्दे पैदा हुए हैं, जिन्हें सुलझा लिया जाएगा। कल देर रात कई कैबिनेट मंत्रियों ने सिद्धू से उनके आवास पर मुलाकात भी की। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के सियासी हालात पर कहा कि सिद्धू स्थिर आदमी नहीं है, और ये बात उन्होंने पहले ही कही थी। कैप्टन ने कहा कि पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य के लिए सिद्धू फिट नहीं है। सिद्धू के समर्थन में हो रहे इस्तीफों को उन्होंने ड्रामा बताया। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने सिद्धू को एक बार फिर मिसगाइडेड मिसाइल बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष बनकर सिद्धू ने पहले कैप्टन को दबा किया, फिर अपनी पार्टी कांग्रेस का सफाया कर दिया। पंजाब कांग्रेस की अजब स्थिति पर बीजेपी हमलावर है। पार्टी महासचिव तरुण चुग ने कहा कि सिद्धू खुद को सुपर सीएम समझते हैं, उन्हें दलित मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्होंने आरोप भी लगाया कि सिद्धू अपने लोगों को बड़े पदों पर लाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर पंजाब दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान केजरीवाल लुधियाना में उद्यमियों से मुलाकात करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल बड़ी घोषणा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर सीट पर प्रचार अभियान के आखिरी दिन हुई हिंसा के बाद सभी मतदान केंद्रों पर 200 मीटर रेडियस तक धारा 144 लगा दी गई है, जो 30 सितंबर को वोटिंग पूरी होने तक लागू रहेगी। उत्तराखंड चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना मिशन तेज कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज प्रदेश में शक्ति केंद्र संयोजक और प्रभारियों से सीधा संवाद करेंगे। इस वर्चुअल बैठक में राज्य की 70 विधानसभा सीटों से कार्यकर्ता जुड़ेंगे। कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी मिशन 2022 को धार देने में जुटी हैं। यूपी में एक हफ्ते के दौरे के तीसरे दिन प्रियंका ने आज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। पार्टी ने तय किया है कि बीजेपी से मुकाबले के लिए यूपी में 100 वॉर रूम तैयार किए जाएंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज केरल में मल्लपुरम और कोझिकोटा का दौरा करेंगे। इस दौरान वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी का कई कार्यक्रम और भी होने जा रहे हैं। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं। वाराणसी के चौकाघाट इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाश का नाम सिक्की पटेल है और उस पर 20,000 का इनाम है। सिक्की पटेल के खिलाफ वाराणसी के 9 अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। वाराणसी क्राइम ब्रांच और जैतपुरा पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि इनामी बदमाश सिक्की पटेल सिटी स्टेशन की ओर आ रहा है। इसके बाद उसे दबोचने के लिए अंधरापुर से लेकर सिटी स्टेशन के बीच पुलिस ने घेराबंदी की। इस बीच चौकाघाट पानी टंकी के पास बाइक सवार सिक्की पटेल ने खुद को गिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में सचिन और सिक्की पटेल के पैर में गोली लगी। देखिए, ये 302 और 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर इस तरह के मुकदमे में वांछित था, और उस पे 20,000 का इनाम भी है। फिलहाल घायल बदमाश को इलाज के लिए कबीर चौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को आरोपित सिक्की के पास से एक पिस्टल और बाइक बरामद हुई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सिक्की के साथ मौजूद दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। राजस्थान के सीकर में फिरौती के लिए कल दिन दहाड़े एक कारोबारी पर गोलियां बरसा दी गई। हमले में कपड़ा शोरूम कारोबारी बाल बाल बचा। वारदात खंडेला कस्बे के मेन बाजार में हुई। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। झारखंड के लातेहार में कल सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें झारखंड जगुआर के डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए, जबकि एक नक्सली को ढेर कर दिया गया। मुठभेड़ लातेहार के जंगलों में हुई। धर्म परिवर्तन का पाठ पढ़ रहे IAS इफ्तिखारुद्दीन के मामले में SIT ने जांच तेज कर दी है। योगी सरकार ने 3 सदस्यीय SIT से 7 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है। दरअसल IAS अधिकारी से जुड़े एक वीडियो वायरल हुआ है। मामले में धर्मांतरण के आरोप लग रहे हैं।
गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई और संपत नेहरा के साथी आनंद शांडिल्य को गिरफ्तार कर लिया गया है। जयपुर पुलिस ने कल आनंद शांडिल्य की बारात निकाली। जवाहर नगर थाने से लेकर उसके आवास तक पुलिस शांडिल्य को पैदल ही लेकर गई। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल को देखकर हर कोई हैरान हुआ। भारतीय नौसेना और ओमान की रॉयल नेवी के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना आदान प्रदान के लिए समझौता हुआ है। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ओमान के दौरे पर है। इस दौरान ये MOU साइन किया गया। पिछले हफ्ते 4 लाख से ज्यादा अमेरिकियों को फाइजर वैक्सीन की बूस्टर डोज दी गई। व्हाइट हाउस में COVID-19 के समन्वयक जेफ जेनस्टेन ने कहा कि आने वाले दिनों में और 10 लाख लोगों को बूस्टर डोज दी जाएगी। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन साकी ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने के राष्ट्रपति जो बाइडेन के फैसले का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति को उनके सैन्य सलाहकारों की तरफ से अलग अलग सलाह दी गई थी। जापान में सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी LDP का नया नेता चुनने के लिए आज मतदान होगा। LDP के मौजूदा नेता और प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा ने 3 सितंबर को नेता पद छोड़ने का ऐलान कर दिया था। उसके बाद नया नेता चुनने की प्रक्रिया शुरू हुई। फ्रांस की ग्रीन पार्टी ने ग्रीन पीस के पूर्व कार्यकारी यानिक जातोड को अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में अपने उम्मीदवार के रूप में चुना है। यूरोपीय संसद के 54 वर्षीय सदस्य जादोट ने अपने प्रतिद्वंदी सैंड्रिन रूसो के खिलाफ काफी कम अंतर से जीत दर्ज की थी। सरकार ने वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उसकी कोरोना वैक्सीन ट्रायल प्रोग्राम के लिए 7 साल से 11 साल के बच्चों को इनरोल करने की मंजूरी दे दी है। राजधानी दिल्ली में इस बार पटाखे ना तो बेचे जा सकेंगे और ना ही फोड़े जा सकेंगे। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 1 जनवरी 2022 तक सभी तरह के पटाखे फोड़ने और बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली वायु प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सभी परियोजनाओं के ठेकेदारों को निर्देश दिया है कि निर्माण या तोड़फोड़ का काम तभी करें जब धूल से वायु प्रदूषण ना हो और अगर निर्माण स्थल 20,000 वर्ग मीटर का या उससे ज्यादा है तो एंटी स्मॉग गन लगाएं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने ग्राहकों के लिए आधार सत्यापन को लेकर राशि 20 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी है। इस पहल का मकसद विभिन्न एजेंसी और संस्थान सरकार द्वारा तैयार डिजिटल बुनियादी ढांचे को बेहतर उपयोग कर सकें। रक्षा मंत्रालय ने मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों और भाई बहनों को पारिवारिक पेंशन देने के लिए आय मानदंड बढ़ाने का फैसला किया है। फिलहाल ऐसे बच्चे या भाई बहन महंगाई भत्ते के साथ पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र हैं। अगर अन्य जरिए से उनकी कुल मासिक आय महंगाई भत्ते के साथ 9,000 रुपए से ज्यादा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस आला कमान पंजाब के राजनीतिक संकट को जितना सुलझाने की कोशिश कर रही है मामला उतना ज्यादा उलझता जा रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब में नए सिरे से गुटबाजी अब दिखाई दे रही है, जिसे देखते हुए आज सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट बैठक बुलाई है और ये माना जा रहा है इस कैबिनेट बैठक में सिद्धू की नाराजगी को देखते हुए कुछ अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले बीती रात भी सिद्धू के घर पर बैठकों का दौर चलता रहा। खुद कैबिनेट के 2 मंत्री परगट सिंह और अमरिंदर सिंह राजा ने सिद्धू से मुलाकात की। इससे पहले सिद्धू के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद दो मंत्रियों 5 और सिद्धू समर्थकों के इस्तीफे से कांग्रेस का जो सियासी संकट था वो बढ़ गया है। हालांकि पंजाब में कभी कम नहीं हुआ, ऊपर नीचे होता रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि सिद्धू के करीबी और पंजाब के मंत्री परगट सिंह ने दावा किया है कि कुछ गलतफहमी हो गई थी जिसे जल्द सुलझा लिया जाएगा। इस बीच अभी तक कांग्रेस आलाकमान ने भी सिद्धू के इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं लिया है। दो इशू हैगे आ, वो गल हो गई आ, असी बिल्कुल रिजॉल्व कर लांगे, कोई एहो जी गल नहीं है। और क्योंकि कई बारी कितने मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और उन्हें सॉल्व कर लांगे। बेसिक देखो जो रिजॉल्व हो गए तो ऑटोमैटिकली पता लग जाऊगा। जिरे विच मैनू लगता है कि आपस विच जिहड़ा कॉन्फिडेंस सीगा वो किते ना किते मिसअंडरस्टैंडिंग रही टुटिया। मंत्री जी छोटी गल ते रिजाइन कर एक मिनट लेट मी कंप्लीट वो आपस विच जिहड़ा कॉन्फिडेंस वो थोड़ा लैक होया ते मैनू लगता कि कोई वड्डी ऐसी गल नहीं है।
तो कभी अपने चौके छक्कों के लिए मशहूर रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को कांग्रेस को एक बार फिर से चौंका दिया। कैप्टन अमरिंदर की कुर्सी जाने और सिद्धू की पसंद का मुख्यमंत्री बनने के बाद सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और इस पूरे प्रकरण में उन पर भरोसा करने वाले कांग्रेस आला कमान की भी अब जमकर किरकिरी हो रही है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के अंदर चल रहा तूफान थम जाएगा, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर गांधी परिवार को झटका दे दिया है। सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे में सिद्धू ने लिखा कि समझौते करने से चरित्र में गिरावट आती है, पंजाब की भलाई के एजेंडे पर वो समझौता नहीं करेंगे। साथ ही आखिर में जोड़ा कि वो कांग्रेस की सेवा करते रहेंगे। यानी नाराजगी दिखाते हुए भी सिद्धू ने कांग्रेस हाईकमान से बातचीत के रास्ते खुले रखे हैं। सिद्धू के इस्तीफे के पीछे 5 बड़ी वजह बताई जा रही है। मंत्रियों के नाम तय करने और नियुक्तियों में उनसे सलाह नहीं ली गई। कैबिनेट में कैप्टन के करीबी अरुणा चौधरी की कुर्सी बची। कैप्टन के खास राणा गुरजीत को मंत्री बनाए जाने से हैरान हुए। वही वो इकबाल प्रीत सिंह सहोता को कार्यवाहक डीजीपी बनाने से भी खुश नहीं है। इसके अलावा अमरप्रीत सिंह देओल का नाम एडवोकेट जनरल बनाए जाने से भी सिद्धू नाराज थे, क्योंकि देओल गोलीकांड और बेदर्दी से जुड़े केस में आरोपियों की पैरवी कर रहे थे। ये भी कहा जा रहा है कि सिद्धू नहीं चाहते थे कि उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा को गृह मंत्रालय का पोर्टफोलियो दिया जाए। सिद्धू के इस्तीफे के बाद एक एक करके उनके 5 समर्थकों ने भी इस्तीफा दे दिया। उनके 2 मंत्री प्रगट सिंह और रजिया सुल्तान के अलावा पंजाब कांग्रेस योगेंद्र ढिंगरा, पंजाब कांग्रेस के महासचिव गुलजार इंदर चहल और महासचिव गौतम सेठ भी शामिल है। कि कुछ ऐसा है जिसमें गड़बड़ थोड़ी सी होने वाली है और हुई है। अभी बात कर लें प्लीज, फिर मैं आपको बताऊंगी। देखिए कांग्रेस का नहीं, मैं इतना कहना चाहूंगी, सिद्धू साहब जो है वो वसूलों के आदमी है, ठीक है। नहीं, वो सारा कुछ अपना मना वसूल होता है। नहीं नहीं, सारा कुछ उन्होंने अपना क्या मना लिया बताएं, क्या मनाया। पंजाब में चुनाव को बस 4 महीने बाकी है, लेकिन वहां कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सिद्धू के इस्तीफे के बाद विरोधियों को उन पर हमले का एक और मौका मिल गया है। मैंने कहा था अबे यार माइक ले दो, आदमी अनस्टेबल है जी, और आप ही दिखा दिया जी, उसने आज रेजिग्नेशन कर दिया जी। 2-3 महीने पहले मैं एक बयान देता सी कि मिस गाइडेड जो सिद्धू है, आप मिस गाइडेड मिसाइल है, एदा पता नहीं की दे तू दिखूंगा मैं किनू मारूंगा। जो प्रधान बनाया सब तो पहले कैप्टन से डिगया, कैप्टन तबाह किया, तो हूँ कांग्रेस अपनी पार्टी जिन्हें प्रधान बनाया जी कांग्रेस पार्टी से डिग पिया, हूँ कांग्रेस का सफाया करता ने। सिद्धू के इस्तीफे वाले कदम से पार्टी के अंदर भी लोग नाराज है। सिद्धू से पहले पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सुनील जाखर ने कहा कि सिद्धू ने कांग्रेस के लीडरशिप के भरोसे को तोड़ा है। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी के मुख्यमंत्री बनने के बाद सिद्धू सुपर सीएम की तरह बर्ताव करते देखे गए। वही पंजाब की सियासत को करीब से देखने वाले कहने लगे थे कि चन्नी नाइट वॉचमैन नहीं है और जरूरी नहीं कि नई पारी में सिद्धू ही ओपनिंग करे। इस तरह की बातें भी सिद्धू को परेशान कर रही थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सिद्धू को लेकर कांग्रेस आलाकमान कितना झुकता है और कितना अड़ता है। रंजीता झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब बुलेटिन में वक्त है राज्यों की खबरों का। देखिए 1 मिनट में अपने राज्य की हर खबर। बिहार में आज पंचायत चुनाव के 2रे चरण के लिए वोटिंग होगी। आज यानी 2रे चरण के मतदान में कुल 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोट डाले जाएंगे। इन सभी प्रखंडों में कुल 9,886 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग 76,279 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। 2रे चरण के लिए जहां 46,168 महिलाओं ने दावेदारी पेश की है, वहीं 36,111 पुरुष भी चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार इस बार
पंचायत चुनाव में बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए मतदाताओं का डाटा भी अपलोड कर दिया गया है। चुनाव के दौरान किसी भी तरह कानून व्यवस्था भंग न हो, इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। हालांकि दूसरे चरण में वोटिंग से पहले ही 3,402 उम्मीदवार जीत चुके हैं। दरअसल इन सीटों पर सिंगल नामांकन होने की वजह से उम्मीदवारों को निर्विरोध चुन लिया गया है। झारखंड के लातेहार में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में झारखंड जगुआर के सहायक कमांडेंट राजेश कुमार शहीद हो गए, जबकि एक नक्सली को पुलिस ने ढेर कर दिया। बताया जा रहा है कि मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे झारखंड जगुआर और स्थानीय पुलिस की टीम सदर थाना क्षेत्र के नारायणपुर सलैया इलाके में सर्च ऑपरेशन करने गई थी। इस दौरान पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने जवानों पर हमला कर दिया। पुलिस के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मोर्चा संभाला। इस दौरान दोनों तरफ से रुक रुक कर गोलीबारी होती रही, जो करीब आधे घंटे तक चली। इस गोलीबारी में जगुआर के सहायक कमांडेंट राजेश कुमार को नक्सलियों की गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें लातेहार से हेलीकॉप्टर के जरिए रांची के अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हमारा एक नुकसान हुआ है, हमारे बहादुर साथी डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार जो झारखंड जगुआर में डिप्टेशन में थे, उनकी शहादत हुई है। एक नक्सली डेड बॉडी बरामद की गई है और उसके साथ में 7 हथियार, जिसमें AK राइफल, 2 स्प्रिंगफील्ड, 2 303 और कंट्री मेड वेपन्स भी रिकवर होने की सूचना है। ऑपरेशन अभी जारी है। पुलिस की ओर से दावा किया गया है कि इस ऑपरेशन में नक्सलियों को काफी नुकसान हुआ है, साथ ही उनके काफी हथियार भी जवानों ने जब्त किए हैं। फिलहाल मुठभेड़ वाले इलाके में पुलिस और जगुआर के जवानों का सर्च ऑपरेशन जारी है। राजस्थान के सीकर में दिन दहाड़े एक व्यापारी पर फिरौती के लिए फायरिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। फायरिंग करने की सारी वारदात CCTV में कैद हो गई। CCTV में देखा जा सकता है कि आरोपी पहले दुकान में दाखिल होता है, फिर दुकानदार से बातचीत करता है। थोड़ी देर तक दोनों के बीच बात होती है, उसके बाद आरोपी बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वह अचानक दुकान के अंदर पिस्तौल से गोलियां चलाने लगता है। बीच बाजार दिन दहाड़े हुई वारदात से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की छानबीन में जुट गई। जिस दुकानदार पर गोली चलाई गई, उसने बताया कि आरोपी उसके पास एक पर्ची लेकर आया था, जिसमें उससे 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई थी, और फिर जब दुकानदार ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने सरेआम उस पर फायरिंग कर दी। फिलहाल CCTV की मदद से पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। वाराणसी के चौकाघाट इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए बदमाश का नाम सिक्की पटेल है और उस पर 20,000 का इनाम है। सिक्की पटेल के खिलाफ वाराणसी के 9 अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज हैं। वाराणसी क्राइम ब्रांच और जैतपुरा पुलिस टीम को सूचना मिली थी कि इनामी बदमाश सिक्की पटेल सिटी स्टेशन की ओर आ रहा है। इसके बाद उसे दबोचने के लिए अंधरापुर से लेकर सिटी स्टेशन के बीच पुलिस ने घेराबंदी की। इस बीच चौकाघाट पानी टंकी के पास बाइक सवार सिक्की पटेल ने खुद को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में सचिन और सिक्की पटेल के पैर में गोली लगी। देखिए, ये 302 और 307 जो अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर इस तरह के मुकदमे में वांछित था और उस पर 20,000 का इनाम भी है। फिलहाल घायल बदमाश को इलाज के लिए कबीर चौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस को आरोपित सिक्की के पास से एक पिस्टल और बाइक बरामद हुई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक सिक्की के साथ मौजूद दूसरा बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश की जा रही है। वही इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है और इस वीडियो असम का ये बताया जा रहा है और दावा ये किया जा रहा है कि असम में एक सामुदायिक के साथ अत्याचार हो रहा है और इस जबरन इलाका खाली करवाया जा रहा है। क्या है इस वीडियो की सच्चाई? क्या सच में असम में ऐसा हो रहा है? पूरी सच्चाई देखिए हमारे फैक्ट चेक सेगमेंट में। एक आदमी बेसुध होकर जमीन पर पड़ा हुआ है और एक पुलिस वाला उस पर जोर से कूद रहा है, उसे लात मार रहा है, उसे भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है, उसे पीटने के लिए सामने खड़े अपने साथी से लाठी भी मांग रहा है। चारों तरफ पुलिस खड़ी है, पूरे इलाके में पुलिस गश्त लगा रही है।
सोशल मीडिया पर दिल दहलाने वाला ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। लोग इसे शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि तस्वीर असम के दरांग जिले की है, जहां पुलिस मुसलमानों पर इलाका खाली करवाने के लिए अत्याचार कर रही है। मामला बेहद संगीन था, हमारे मन में कई सवाल खड़े हो रहे थे, जैसे क्या सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा सही है, क्या पुलिस सच में लोगों को उनके घरों से भगा रही है, क्या असम में सच में एक समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, पुलिस वाला जमीन पर पड़े आदमी को आखिर क्यों मार रहा है। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमारी फैक्ट चेक की टीम इस वीडियो की पड़ताल में जुट गई। जब सोशल मीडिया पर हमने कुछ वीडियो को खंगालना शुरू किया तो हमें वहां 30 सेकंड का ये वीडियो भी मिला, जिसकी सच्चाई कुछ और ही निकली। असम का बताकर जिस वीडियो को इंटरनेट पर फैलाया जा रहा है वो असल में वहां का है ही नहीं, वो तो बिहार का है और वो भी साल 2011 का। दरअसल ये वीडियो बिहार के फारबिसगंज के भजनपुरा गांव का है, जहां 3 जून 2011 को पुलिस की फायरिंग में 4 लोगों की मौत हो गई थी। पूरा विवाद बियाड़ा यानी बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की जमीन पर सड़क को लेकर हुआ था, जिसमें इलाके के लोगों और पुलिस के बीच भिड़ंत हुई थी और इसी दौरान पुलिस की हुई फायरिंग में 4 लोगों की जान चली गई थी। इस मामले में तत्कालीन डीएम, थाना प्रभारी और बियाड़ा को दोषी माना गया था। तो जिस वीडियो को असम का बताकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है वो हमारी पड़ताल में पूरी तरह से झूठा साबित हुआ। और अब देखिए वो खबर जो आपके काम की है। अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार आपकी दिवाली फीकी रहने वाली है। दरअसल पॉल्यूशन पर लगाम लगाने के लिए 1 जनवरी 2022 तक पटाखे बेचने और फोड़ने पर पूरी तरह से पैन लगा दिया गया है। इसके पीछे सांस रोगियों की परेशानी बढ़ने के साथ ही कोरोना फैलने का भी तर्क दिया गया है। DPCC ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली के सभी जिलाधिकारी और पुलिस उपायुक्त इन निर्देशों पर अमल कराएं और रोजाना लिए गए एक्शन की रिपोर्ट उनके पास जमा करें। देश भर में कोरोना के मामलों में कमी आने के चलते धीरे धीरे स्कूल खोले जा रहे हैं। अब तमिलनाडु सरकार ने भी स्कूल खोलने का आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक 1 नवंबर से कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल खोले जा सकेंगे। हालांकि इस दौरान कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी है। इसके साथ ही सरकार ने कोविड प्रतिबंधों को 31 अक्टूबर तक और बढ़ा दिया है, जिसके तहत सभी धार्मिक स्थल शुक्रवार, शनिवार और रविवार को पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। अगर आप भी अपने बच्चों को सैनिक स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं तो ये खबर आपके बहुत काम की है। दरअसल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस परीक्षा के जरिए क्लास 6 और 9वीं में एडमिशन पाने का मौका मिलेगा। परीक्षा ऑफलाइन होगी जो देश के 176 शहरों में कराई जाएगी। सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए छात्र को हर विषय में न्यूनतम 25% और प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक जरूर होने चाहिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हर मंच पर मानवाधिकारों की बात करते हैं, हर मंच पर वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन इमरान खान के राज में मानवाधिकार महज 50,000 रुपए में बिकता है। इमरान खान जो जम्मू कश्मीर में युवाओं के साथ अत्याचार की बात कहते हैं, उनके पाकिस्तान में 19 साल की मासूम बच्चे के हाथ में बंदूक दे दी जाती है। पाकिस्तान के आडंबर की पोल खुद पाकिस्तान ने खोल दी। अली बाबर पात्रा यह सिर्फ 19 साल का लड़का है जिसकी मजबूरी का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने आतंकवादी बना दिया। इमरान खान कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में युवाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इमरान खान मानवाधिकारों को ऊंचे सुर में गाते हैं और उन्हीं की धरती पर स्कूल में पढ़ने वाला एक गरीब छात्र बाबर आतंकवादी अली बाबर पात्रा बन जाता है। So due precautions were taken and he was taken into own custody. Once we took this individual into custody, he has made some revelations which I'll now give you. He has identified himself as Ali Babar Patra. Ali Babar Patra, aged 19 years, son of late Muhammad Latif, resident of Dipalpur, district Okara, Punjab of Pakistan. बाबर ने पाकिस्तान में दीपालपुर के ओकारा से ताल्लुक रखता है।
बाबर की मां के इलाज के लिए उसे 20,000 रुपए दिए गए और इन 20,000 रुपयों के एवज में उससे उसकी जिंदगी मांग ली गई। बाबर को 30,000 रुपए बाद में और दिए गए। उसे 2019 में पाकिस्तान में गढ़ी स्थित हबीबुल्लाह कैंप में 3 हफ्तों की ट्रेनिंग दी गई और उसे मरने के लिए भारतीय सीमा में दाखिल करा दिया गया। बाबर के साथ ही आतंकी को सेना ने मार गिराया। 19 साल के बाबर ने अपनी जान बख्श देने की सेना से अपील की। Thereafter, an encounter ensued. Out of these two terrorists, one terrorist was neutralized on the morning of 26th. Once this terrorist was neutralized, his accomplice, he pleaded to us for us to spare his life. There was a lot of shouting. He said he asked us to spare his life. Imran Khan, आप भी सुन। भारतीय सेना ने उस अली बाबर की जान बख्श दी, जिसे आपने आतंकवादी बनाया है। अली बाबर ने सेना को बताया कि किस तरह से उसे आतंकवादी बना दिया गया। He has admitted that he is a member of Lashkar-e-Taiba. He was trained by that outfit. And giving details of his training, he has revealed that he underwent a 3 weeks course in 2019 at Khyber Camp, Gadi Habibullah, Muzaffarabad. That's the location of his training camp that he has revealed. Subsequently, after training, he was sent home, and thereafter he was recalled for some important task this year. Individual has given the details of his residence. He has also given the contact number of his mother. 19 साल के बाबर को पाकिस्तान की धरती पर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई, ये खुद बाबर ने कबूल किया है। उसने ये भी बताया कि उसे इसी साल किसी खास काम के लिए भारत भेजा गया। While he claims the surrender terrorist, he claims that he was informed by his handlers, by the group, that he is to drop a supply in the area of Pattan. That's the information he was given. He was told that he is going to drop a supply at Pattan. But when we go over the recoveries and modus operandi, it is quite possible that these infiltrating groups had come here for some kind of a strike which went beyond just a supply drop. 19 साल के ट्रेंड आतंकवादी के मुताबिक वो हथियारों की सप्लाई के लिए भेजा गया, लेकिन सेना ने जब हथियारों की मात्रा जांची तो पता लगा कि पाकिस्तान का मकसद कुछ बड़ा करने का था। Now if I invite your attention to the fact that this infiltration attempt was made in the area of Salamabad Nala, this is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. That is when a suicide attack at Udi garrison took place. It is also revealed that this infiltration group was supported from the Pakistani side by 3 porters who had come till the line of control along with supplies. The Pakistani post opposite this area is the Jabari post. Now, movement of such large group of people cannot take place without active complicity of the Pakistan army deployed on the other side. Salamabad Nala, ye wahi jagah hai jahan se aatankwadi 2016 mein Uri sector mein ghuse the, jiske baad unhone Uri mein sena par hamla kiya tha. Tab bhi aur ab bhi isi area se ghuspaith bina Pakistan ki sena ki madad ke nahi ho sakti hai. Wo isiliye kyunki iske paas sthit Jaweri post par Pakistan ki sena tainat hoti hai. सेना का कहना है कि पाकिस्तान लगातार घुसपैठ कराने की कोशिश करता रहा है। 18 सितंबर को भी पाकिस्तान ने घुसपैठ की कोशिश की। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से आए 2 आतंकवादियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में अमन चैन ही पाकिस्तान की बौखलाहट है। बौखलाया पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराता है। पाकिस्तान लगातार किसी बड़ी स्ट्राइक की कोशिश में है। पाकिस्तान की नापाक कोशिश हर बार 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 नाकाम होती है, लेकिन वो बाज नहीं आता। पिछले 7 दिनों में भारत ने 7 पाकिस्तानी आतंकवादियों को जहन्नुम का रास्ता दिखाया है, लेकिन पाकिस्तान में युवाओं को आतंक की ट्रेनिंग देना बदस्तूर जारी है। मुंबई हमलों में पकड़ा गया 23 साल का कसाब हो
या फिर उरी में पकड़ा गया अली बाबर बात्रा। ईशान वानी, टाइम्स नाउ, नव भारत, श्रीनगर। और अब देखिए वो वीडियोस जो सोशल मीडिया पर चमकर वायरल हो रहे हैं। शादी सबके लिए खास दिन होता है। इस दिन को यादगार बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया जाता। अब इस शादी के वीडियो को ही ले लीजिए, जिसमें दूल्हे ने कुछ ऐसा किया जो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बन गया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बीच सड़क पर एक दूल्हा कैसे डांस कर रहा है। वो डांस के दौरान अजीबोगरीब स्टेप्स कर रहा है, जिसे देखकर हंसी आ रही है। दूल्हे के सामने दुल्हन खड़ी है और वो थोड़ा शर्मा रही है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो भी पूरी एनर्जी के साथ डांस में दूल्हे का साथ देने लगती है। वीडियो में दिख रहा है दूल्हा भारतीय लग रहा है, जबकि दुल्हन विदेशी। इंस्टाग्राम पर वायरल ये वीडियो कहां का है ये तो पता नहीं, लेकिन वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है। डांसिंग अंकल के नाम से फेमस हुए संजीव तो आपको याद होंगे ही। गोविंदा के गाने पर डांस कर जिन्होंने सुर्खियां बटोरी थी, अब उन्हीं की तरह एक शख्स का डांस वायरल हो रहा है। वीडियो किसी शादी का लग रहा है, जिसमें एक शख्स 90 के दशक का गाना कोठे ऊपर कोठरी गाने पर जबरदस्त डांस कर रहा है। कमर मटकाने पर वहां मौजूद लोगों से चीयर भी कर रहे हैं। कुछ देर बाद शख्स दूसरे शख्स को भी डांस करने बुलाता है और दोनों धमाल मचा देते हैं। डब्बू अंकल के बाद अब इस शख्स के डांस को भी नेटिजंस खूब पसंद कर रहे हैं और वीडियो को जमकर शेयर भी किया जा रहा है। गजराज को जब गुस्सा आता है तो उसे काबू करना मुश्किल हो जाता है। हाथियों के हमले करने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। अब हमले का एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर सबकी सांसें थम गई है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।